क्या हो गया आज? मजा आया मैच देखने का, लेकिन मैच में बहुत कुट पड़ी है आज। पाकिस्तानियों को इतनी कुट पड़ी है ना कि छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हो गया आज? मजा आया मैच देखने का। देखो भाई साहब, मैं तो मैच देख नहीं रहा था, मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ, अभी भी एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। लेकिन मैच में बहुत कुट पड़ी है आज। पाकिस्तानियों को इतनी कुट पड़ी है ना कि छोड़ ही दो बातें। अब आप इमेजिन करो यार, हमारे प्लेयर्स का भी कसूर नहीं है, बताऊँ कैसे? देखो इमेजिन करो, आप सब अपने आप को उनके जूतों में डालते हैं। लेट्स सी, अब देखो कि 1.5 लाख का एक, तकरीबन 1.25 लाख का क्राउड हो, सब ब्लू हो, ब्लू 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 हो, और हर बंदा कह रहा हो वंदे मातरम, इंडिया इंडिया इंडिया, और पाकिस्तान की कोई बात भी ना कर रहा हो, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की टांगे तो कांपेंगी या नहीं कांपेंगी? बिल्कुल कांपेंगी। सो बात कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, उन्होंने जीतना ही था, उनका जीतना बनता था, और उन्होंने इस चीज़ की बहुत प्लानिंग की थी। उन्होंने अपनी मर्जी की पिच ली, अपनी मर्जी का ग्राउंड चूज़ किया, अपनी मर्जी का दिन चूज़ किया, ठीक है। अब इतनी प्लानिंग करने के बाद भी अगर वो हार जाते हैं तो उनके मुँह पर चपेड़े पड़ने थी। सो परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हमारी टीम ठीक थी, लेकिन फिर भी इंडिया के बराबर नहीं थी। सिर्फ ये नहीं है कि अगर इसके अलावा अगर न्यूट्रल वेन्यू भी होता तो तब भी शायद इंडिया टीम जीत जाती, लेकिन कहने का मतलब है कि यार हमारे प्लेयर पे बहुत सारा हाश ना हो, बहुत गुस्सा ना करें, इट विल बी ओके। मैच की मैंने हाईलाइट्स तो देखी हैं, बहुत मारा जी हिटमैन ने, रोहित शर्मा ने, लेकिन वही बात है कि हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, हमारे शाहीन से बॉल ही नहीं जा रहा पिच तक, 130 ऊपर भाई साहब बॉल ही नहीं कर पा रहे, मीडियम फास्ट बॉलर हो चुकी हैं वो। लेकिन बात वही है कि उनकी उनके मुताबिक हर चीज़ उन्होंने अपने मुताबिक सॉर्ट आउट की, यू नो, वेलकम की जो सेरेमनी थी, वेलकम सेरेमनी भी उन्होंने आज के दिन पर रखी, सब कुछ उन्होंने अपना वेल प्लान्ड किया था आज के दिन के लिए। इतनी प्लानिंग के बाद भी अगर वो हार जाते तो उन पर बहुत बुरा असर होना था, उनके प्लेयर्स को नहीं छोड़ना था लोगों ने। सो आज उनका जीतना ज़रूरी था, आज का दिन उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो मसला नहीं, आज की विक्ट्री उनके नाम, और वैसे भी 8-7-0 तो पहले ही हो चुका था, तो 8-0 भी हो गया तो क्या हो गया, हम फ़र्क पड़ गया, कोई बात नहीं। हमसे पहले भी जितने लेजेंड्स थे जो आज सोशल मीडिया पे बहुत बोल रहे हैं, वो भी हार रही थे भाई, तो हम भी हार, ये भी हार गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स नो इशू, और कोई बात नहीं। अभी 6-7-8 मैच कितने, 3 हो गए हैं, 7 मैच अभी और पड़े हैं, 6-7, तो कोई नहीं, सेमीफाइनल्स में जिताएंगे तब देखेंगे, तब मुकदमों की बातें हैं, लेकिन ये है कि हमें अच्छा खेलना थोड़ा बहुत तो चाहिए था, कम से कम 300 करना चाहिए था, फिर चाहे शायद हार जाते, लेकिन चलो इतना प्रेशर अफोर्ड करना भी आसान काम नहीं होता। सो आज का मुझे कोई इनसे, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव नो इश्यूज कि क्यों जीते क्यों नहीं जीते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया हैज, इंडिया डिड प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर was best for them. So yeah, they have to win and they did. So best of luck India. और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तानियों कोई बात नहीं, अगला मैच हम ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे अगर आगे जाना है, हमने 2-3 और मैच अच्छे जीतने हैं, बाकी हम आगे पहुँच जाएंगे, आगे फिर देखी जाएगी जो मर्जी होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री इज़ गोना रिपीट, जैसे शुएब अख्तर ने बोला है कि इंडिया जो प्लान कर रही है, बीसीसीआई हर चीज़ जो प्लान उन्होंने किया है, वर्ल्ड कप उन्हीं का ही है बॉस। बाकी अब देखें, जैसे हमारे चेन्नई में हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच कर दिया, जहां पे बॉल स्पिन होता है, ठीक है, आज फटा पिच थी, ठीक है, क्योंकि यहां पाकिस्तान की बॉलिंग का हवा है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी एक हवा था जिसकी वजह से उन्होंने आज फटा पिच बनाई। सो यार ये सिचुएशन है, तो परेशान नहीं होना, इंडिया की पूरी प्लानिंग थी यार, एक और प्लानिंग इंडिया ने ये की थी। देखें मैं आपको समझाता हूँ, इंडिया ने लोकेशन डिसाइड किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ कहाँ पे खेलना है जहाँ पे इनको एडवांटेज है, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कहाँ पे खेलना है जहाँ पे उनको एडवांटेज, अफगानिस्तान के साथ इनको चेन्नई में नहीं खेला इन्होंने, लेकिन हमें चेन्नई में खिलाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिन तगड़ी है और इंडिया वहाँ पर स्ट्रगल करता, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सी जो उनको बेनिफिट करनी थी और की और कर रही हैं, बाकी जिनके नसीबों में होगा वर्ल्ड कप उनका होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतने वाला है बॉस। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में,
एंड मैं चलता हूँ अगली फ्लाइट कैच करने। आपको इसका व्लॉग भी आएगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आई कैच यू गाइस सून, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।